मौका है और सास बहू और साजिश का बहुत ही खास रिश्ता है इकबाल खान से। ईद मुबारक। मुबारक हो आपको भी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी चली ईद की सुबह? कैसी है इकबाल? ईद की सुबह बहुत बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है। और सुबह सुबह नमाज के यहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए थे। घर पे क्या चल रहा है, बड़ा माहौल कैसा है घर में इस वक्त? माहौल बहुत बिजी है। छोटी गुड़िया क्या कर रही है, वो उसको क्या दिया है पहले ये बताइए, पापा ने ही दी थे? सब कुछ उसी का है, उसको क्या देना है। कहा जाता है ईद पे जितना पूरे साल भर नहीं बनता है ना, उतना एक दिन में ईद पे खाना पीना सब बन जाता है। नॉर्मली वो बिरयानी शिरक में तो बनता ही है, मुझे पता नहीं एक्चुअली, मुझे मोटा मोटा यही पता है, और क्या है वो तो लंच के टाइम पता चलेगा। आपने कुछ बताया घर पे डिमांड की कि आज मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है? नहीं नहीं, ये बस कहने की बातें होती हैं शादी के बाद, हस्बैंड की ऐसी औकात नहीं होती कि वो ऐसी डिमांड कर सके। क्या खास दुआ थी इस रमजान में अल्लाह ताला से? बस यही कि हम सबको माफ करें। ओके ओके। फिरनी के बिना अधूरी होती है ईद। बिल्कुल। आपने पहले सुबह सुबह फिरनी विरनी खाई कि नहीं अभी? बिल्कुल, शीरखुरमा वो तो सुबह पहली चीज होती है, पहले आप खाएं। जब से मैं स्नेहा से मिला हूँ तब से शीरखुरमा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उसी के हाथ का, क्योंकि वो जैसा शीरखुरमा बनाती है मैंने वैसा आज तक नहीं कभी खाया लाइफ में। बहुत कड़ाके की है, माइंड ब्लोइंग। यादगार ईद बताइए कौन सी रही है अब तक? सभी ईदें अच्छी होती हैं। लास्ट ईयर ईद काफ़ी खास थी, क्योंकि मैं अमारा और स्नेहा को लेकर कश्मीर गया था, तो मॉम डैड भी थे वहाँ पे। तो एक्चुअली अमारा का पहला ट्रिप था श्रीनगर का, तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सास बहू साजिश की सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ऊपर वाला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखें, और आप हमेशा सब लोग हमेशा अच्छे काम करें।